अच्छा मेरी आवाज आप तक अगर आ रही है तो मैं दो चीजें करना चाहूंगा। जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा पहली तो बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, आप किन की बातें कर रहे हैं? आप उन लोगों की बातें कर रहे हैं जो फासिज्म पे यकीन रखती हैं, जिन्हें आईने पाकिस्तान आता नहीं है या पढ़ना नहीं चाहते। मैं बार बार कहता हूँ कि इनको उर्दू में, फारसी में, अपना अरबी में, सराइकी में, सिंधी में दें ताकि ये समझ सके आईने पाकिस्तान क्या है। इनके बस का रोग नहीं है, ये नाम के पार्लियामेंटेरियन और अनपढ़ और कई ऐसे तो लोग हैं जो जाहिल होने के करीब तरीन है। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। यहाँ बड़ी सीरियस सी बात है, क्या इन्हें पाकिस्तान में ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल तयशुदा है जो अदलिया ने काम करना है? मिसाल के तौर पर यानी अगर आप रूल से आर्टिकल 67 देख लें या हमारे डिफरेंट आर्टिकल देख लें कि अगर नेशनल असेंबली ने अपना हाउस चलाना है तो वो रूल्स उसने खुद बनाए हुए हैं। अगर आज कहें कि जनाब हमारी सुप्रीम कोर्ट बना के रूल्स दे देगी तो ये मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। पंजाब असेंबली देख लें, रूल्स ऑफ बिजनेस वफाकी हुकूमत के, सूबाई हुकूमत के, ये मशीनरी प्रोविजन जब भी होती है ये मुतलका इदारे ने बनानी और इसमें सेटल हो चुकी है। बेंच किसने बनाना है, मास्टर ऑफ रोस्टर कौन है, बेंचेस की तादाद क्या होनी चाहिए, उसको नोटिस कैसे लेना है, पीएलडी 2002, सुप्रीम कोर्ट 306 और 4 तारीख को फिर 6 मेंबर बेंच का फैसला आ गया हुआ है इस वक्त। और ये जो मजाक बनाया जा रहा है ना कि अपनी मर्जी का बेंच, भाई ये वो बेंच है 8 मेंबर बेंच जो आर्टिकल 184। लेकिन वजीर आजम नाअहल तो हो सकते हैं ना, अगर अगर फैसला नहीं माना जाए, इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे तो वजीर आजम की नाअहली हो सकती है। मैं उसकी तरफ आता हूँ। देखें अब ये प्यार मोहब्बत खत, प्यार भरा खत लिखा है जो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से किया है, अभी भी वक्त है, आप फैसले पे अमल दरामद करें, बजट रिलीज करें। ये पैसा आपके बाप का नहीं है जो पैसा लेके हुकूमत बैठी है, पार्लियामेंट का क्या ताल्लुक है? ये इंतजामी इख्तियार है, इसीलिए सेक्टरी फाइनेंस को स्टेट बैंकों में, और वहां जब अकाउंट आएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, वहां पर इतना पैसा पड़ा हुआ है को वो यहाँ पर आटा लाइनों में लेने के लिए 90 रुपए खर्च कर दिया, जो अपने लैपटॉप के लिए 10 अरब खर्च कर दिया आपने, ये तो थोड़ी सी एक रकम देनी है और ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है। नहीं देंगे तो उनको मौका दिया है, फिर तौहीन अदालत होगी और तौहीन अदालत जो कि अल्टीमेटली जानी है चीफ एग्जीक्यूटिव तक, और चीफ एग्जीक्यूटिव आपको पता है जैसे यूसुफजई गिलानी फारिग हुए थे तो इस तरह इनके भी, इनका भी मैदान तैयार पड़ा है, ये भी अपने घर जाएंगे। ठीक है राजा आमिर, बस ठीक है ठीक है ठीक है राजा आमिर बात सब, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने